कृष्ण ने कहा दोनों आंखों के ऊपर भ्रूमध्य में वृक्षि के बीच ध्यान को जो एकाग्र करे, नासिका से जाते हुए श्वास और आते हुए श्वास को जो सम कर ले, इन दोनों का जहां मिलन हो जाए, ध्यान हो वृक्षि मध्य में श्वास हो जाए सम, जिस क्षण ये घटना घटती है उसी क्षण व्यक्ति वो जो क्रोध और काम की अंतरधारा है उसके पार निकल जाए। सात इंद्रियां अंतर जगत से संबंधित होनी चाहिए, योग उन्हें चक्र कहता है। वो सात चक्र अंतर जगत के द्वार, कृष्ण ने उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चक्र जो अर्जुन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता था उसकी बात इस सूत्र में कही है। कहा है कि दोनों आंखों के मध्य में माथे के बीच में ध्यान को केंद्रित कर, माथे के बीच में जो चक्र है योग की दृष्टि से, योग के नामानुसार उसका नाम है आज्ञा, वो संकल्प का और विल का केंद्र है। जिस व्यक्ति को भी अपने जीवन में संकल्प लाना है उसे उस चक्र पर ध्यान करने से संकल्प की गति शुरू हो जाती है, संकल्प डायनेमिक हो जाता है। इस चक्र पर ध्यान करने वाले व्यक्ति की संकल्प की शक्ति अपराजेय हो जाती है। कृष्ण ने ज्ञान के अर्जुन से कहा है कि विशेषकर अर्जुन के लिए कहा गया सूत्र है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ध्यान आज्ञा चक्र पर ही करने की व्यवस्था है। क्षत्रिय की सारी जीवन धारणा संकल्प की धारणा, वही उसका सर्वाधिक विकसित हिस्सा है, उस पर ही वो ध्यान कर सकता है। इस चक्र पर ध्यान करने से क्या होगा, एक बात और ख्याल में लेने तो समझ में आ सकेगी। आपके घर में आग लग गई हो, अभी कोई खबर देने आ जाए घर में आग, आप भागे, रास्ते पे कोई नमस्कार करेगा, आपकी आंख बराबर देखेगी फिर भी आप नहीं देख पाएंगे, और कल वो आदमी मिलेगा और कहेगा कि कल क्या हो गया था, वजहबाज भागे जाते थे, नमस्कार की उत्तर भी ना दिया, आप कहेंगे मुझे कुछ होश नहीं, मैं देख नहीं पाया। वो आदमी कहेगा आंख आपकी बिल्कुल मुझे देख रही थी, आप कहेंगे जरूर आप आंख के सामने रहे होंगे लेकिन मेरा ध्यान आंख पर नहीं था। शरीर की भी वही इंद्री काम करती है जिससे ध्यान हो, नहीं तो काम नहीं करती। शरीर की इंद्रियों को भी सक्रिय करना हो तो ध्यान से ही सक्रिय होती है, वो अन्यथा सक्रिय नहीं होती। आंख तभी देखती है जब भीतर ध्यान आंख से जुड़ता है, अटेंशन आंख से जुड़ती है। कान तभी सुनते हैं जब ध्यान कान से जुड़ता है। शरीर की इंद्रियां भी ध्यान के बिना चेतना तक खबर नहीं पहुंचा पाती। ठीक ऐसे ही भीतर के जो सात चक्र हैं वे भी तभी सक्रिय होते हैं जब ध्यान उनसे जुड़ता है। संकल्प का चक्र है आज्ञा, अर्जुन से वो कह रहे हैं तू उस पर ध्यान कर। कर्म योगी के लिए वही है, कर्म का चक्र है वो विराट ऊर्जा का, लेकिन ध्यान तभी घटित होगा जब बाहर आती श्वास और भीतर जाती श्वास सम स्थिति न हो। आपको ख्याल में नहीं होगा कि सम स्थिति कब होती है, आपको पता होता है कि सांस भीतर गई तो आपको पता हो, सांस बाहर गई तो आपको पता हो, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब सांस भीतर होती है बाहर नहीं जा रही, एक गैप का क्षण। एक क्षण ऐसा भी होता है जब सांस बाहर चली गई और अभी भीतर नहीं आ रही, एक छोटा सा अंतराल। उस अंतराल में चेतना बिल्कुल ठहरी हुई होती, उसी अंतराल में अगर ध्यान ठीक से किया गया तो आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाए, और जो ऊर्जा आज्ञा चक्र को सक्रिय कर दे तो आज्ञा चक्र की हालत वैसी हो जाती जैसे कभी आपने सूर्यमुखी के फूल देखे हो, सुबह सूरज नहीं निकला ऐसे लटके रहते हैं जमीन की तरफ, उदास मुरझाए हुए, पखरियां बंद जमीन की तरफ लटके हुए, फिर सूर्य निकला और सूर्यमुखी का फूल उठना शुरू हुआ, खिलना शुरू हुआ, पखरियां फैलने लगी, मुस्कुराहट छा गई, नृत्य फूल पर आ गया, रौनक ताजगी, फूल जैसे जिंदा हो गया। जिस चक्र पर ध्यान नहीं है वो चक्र उल्टे फूल की तरह मुरझाया हुआ पड़ा रहता है। जैसे ध्यान जाता है जैसे सूर्य ने फूल पर चमत्कार किया हो, ऐसे ही ध्यान की किरणें चक्र को फूल को ऊपर उठा दे, और एक बार किसी चक्र का फूल ऊपर उठ जाए तो आपके जीवन में एक नई इंद्री सक्रिय हो गई, आपने भीतर की दुनिया से संबंध जोड़ना शुरू कर दिया, और ध्यान उसी समय प्रवेश कर जाएगा जब श्वास कम होगी, न बाहर न भीतर बीच में ठहरी होती, न तो आप ले रहे होते न छोड़ रहे होते, जब श्वास दोनों जगह नहीं होती ठहरी होती है, उस क्षण आप करीब करीब उस हालत में होते हैं जैसी हालत में मृत्यु के समय होते हैं या जैसी हालत में जन्म के समय होते हैं। तीन बार सम स्थिति आती है, जन्म के समय, मरते समय, समाधि के समय।
जितनी बार समाधि आएगी उतनी बार सम स्थिति आएगी, लेकिन बस तीन वक्त सम स्थिति होती है जबकि सांस में बाहर न निकल। इस स्थिति में क्यों चेतना भीतर जा सकती है? क्योंकि जैसे ही श्वास बाहर भीतर नहीं होती, जगत से सारा संबंध स्थिर हो जाता, ठहर जाता। अभी आप रूपांतरण कर सकते हैं, ये गियर बदलने का मौका है। न्यूट्रल में पहुंच गया गियर, आप गाड़ी चलाते तो आप सीधे एक गियर से दूसरे गियर में नहीं बदल सकते, न्यूट्रल में डाल देते हैं गियर को पहले, फिर दूसरे गियर में बदलते हैं। अगर श्वास को आप गियर समझे, भीतर जाती श्वास जीवन की श्वास है, बाहर जाती श्वास मृत्यु की श्वास है, दोनों के बीच में न्यूट्रल गियर है, जहां सब जहां भीतर न बाहर अस्तित्व है, जहां न मृत्यु न जीवन, उसी क्षण में आपका रूपांतरण होता है। इसलिए कृष्ण दो बातों पर जोर देते हैं, श्वास हो सम अर्जुन, और ध्यान तेरा भ्रू मध्य पर आज्ञा चक्र पर हो, तो फूल ऊपर उठ जाएगा, चक्र खुल जाएगा, और जैसे ही वो चक्र खुलेगा वैसे ही तू अचानक पाएगा कि वो सारी शक्ति जो पहले काम बनती थी, क्रोध बनती थी, वो सारी की सारी शक्ति आज्ञा चक्र पी गया, वो सारी शक्ति संकल्प बन गई। इसलिए इस चक्र को आज्ञा चक्र नाम दिया गया कि जिस व्यक्ति का इस चक्र पर कब्जा हो जाता है उसकी इंद्रियां उसकी आज्ञा मानने लगती है, और जिस व्यक्ति का इस चक्र पर अधिकार नहीं है उसे अपनी इंद्रियों की आज्ञा माननी पड़ती है। ये बहुत वैज्ञानिक सूत्र है, समझने का कम, करने का ज्यादा, प्रयोग से उतरने का ज्यादा। इसे थोड़ा प्रयोग करेंगे